अच्छा, ये मैंने आपका पैसेज रीड किया और ये आपकी प्रेसी भी मैंने वैल्यूएट कर दी है, मुझे पता ही नहीं था रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि बट और कोमा इट लाइक सेम पर्पज़ है, जब आपने बट लगा दिया तो कोमे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट की मिस्टेक ये इज लगाया, उसके साथ ऐसा नहीं आएगा। उसके बाद दैट की जगह पे आप कोमा लगा दें। इस तरह की कोशिश क्या करें, स्वीपिंग सेंटेंसेस ना ही यूज़ किया करें। टू रेक्टिफाई दिस इशू बेहतर है पहले से प्रेसी, जो आप इसका प्रॉपर स्टार्ट है, प्रॉपर एंड है। और इज रिड्यूस पैसिव में लिखा है, हमेशा एक्टिव में रहने दिया करें, पैसिव में नहीं जाया करें। और ये ट्रांसलेशन तो बिल्कुल ही ठीक है, वेल डन। और ईजी था ये वाला पेपर भी, थोड़ा ईजी था, लेकिन आई थिंक आपको टेक्निक भी समझ आ गई है, ठीक है। काफ़ी हद तक यू गॉट द आइडिया कैसे करना है। और ये तभी मुमकिन हुआ है कि मैंने आपको खुद करके दिखाया है। ये देखिए, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, डिस्पाइट ब्लैक ग्रेजुएट इंक्रीज। ये लोग तो करते हैं सपोर्ट लेने के लिए, गिवन द एक्सटेंट वगैरह। आपने नहीं इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना, लाइक एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं ना। ये वाला पॉइंट भी हाईलाइट करें। ये वाला हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ना बेसिकली प्रपोर्शन किया हुआ है, ग्रेजुएशन मतलब प्रैक्टिस क्या है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग उनको एक्चुअली जॉब भी मिल रही है, फ़ायदा ले रहे हैं। ये वैसे नहीं लिखते होते, लाइक सेंस ले सकते हैं लेकिन नाम वगैरह नहीं लिखते हैं। ये आपने बेटा एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए हैं डिप्रेसी में, टर्म्स के अलावा एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आप यूज कर सकते। मैंने पैसेज पढ़ा है, लेट मी चेक कि अब आपने एंड में क्या किया, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये नहीं लिखते, ये आपने एब्रप्ट एंड किया हुआ है, दोबारा से एंड देखें। जब मैं आप लोगों का पैसेज ओरिजिनल पढ़ के देखती हूँ तो थोड़ा सा उसमें डिविएशन है, लेकिन पिछले वाले से बेहतर है। बट स्टिल एक तो पैसेज इजी है, लेकिन इतना स्टार्ट ठीक किया, एंड पे थोड़ा सा आप उसको कर गए हैं, दोबारा से ही करें। अच्छा, जब मैं आपको कहती हूँ ना दोबारा से करें, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने मुझे दोबारा से भेज देना है। मैंने आपका एक दफ़ा जब लाइव चेक कर दिया और अब खुद लिख के दिया है, तो ऑब्वियसली वो ठीक ही होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आप अपनी प्रैक्टिस करके रख लें, लेकिन मुझे दोबारा नहीं भेजा करें, ठीक है। ट्रांसलेशन तो बिल्कुल ठीक है, इसके भी आपको रिकॉर्डिंग भी मैं भेज देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।